हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्टर अली और मैं हूं अली हसन। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज एक बार फिर मैं अरिजीत सिंह पे एक वीडियो लाया हूं, लेकिन ये वीडियो कोई सिंगिंग पे नहीं है, बल्कि मेरे एक न्यूली बेस्ड एक व्यूअर ने मुझे सजेस्ट की थी ये वीडियो। और वीडियो का टाइटल है व्हाट सेलिब्रिटीज थिंक अबाउट अरिजीत सिंह। और ये जो वीडियो मैंने जिस चैनल से ली है वो है गरीब सिंगर। गरीब सिंगर का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। अरिजीत सिंह के बारे में डिफरेंट सेलिब्रिटीज क्या कहते हैं, लेट्स वॉच आउट। वो इज अरिजीत सिंह, हम सब What जानते makes हैं यार। Arijit Singh a phenomenon year after year? What is it? His simplicity, and he doesn't care about this. He loves music. He just comes and has fun. Absolute yeah. truth. Yeah, he deserves everything he's got because he's honest to music. Music को दिल से चाहता है। He doesn't care about the show. मेरा अरिजीत है। बहुत गुणी बच्चे हैं। चलो सोनू निगम फिर भी उनको बहुत अच्छे-अच्छे गाने मिले, अश्रेया को, सुनिधि को। अरिजीत को अभी तक रिमार्केबल गाना जिसको बोलते हैं ना कि स्टैम्प लगने जैसा, अभी तक उसको मिला नहीं है। इसका मतलब इस लायक अभी तक उसको संगीतकार नहीं मिला है। वो जिस दिन मिलेगा फिर अरिजीत को देखो और कहाँ जाके बैठता है वो। मेरे बेटे जैसा है, मेरे बेटे जैसा है, मुझे बहुत प्यारा है वो, मुझे मेरा बहुत आशीर्वाद है। मगर मैं ये आपको 100% बोल सकता हूँ कि अभी तक उसके लायक गाना उसको नहीं मिला है। बॉलीवुड को अगला अरिजीत सिंह मिल गया है तो उन्होंने कहा, मेरे मुताबिक बॉलीवुड के लिए एक ही अरिजीत सिंह काफी है। अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना भी होगा तो मैं दर्शन रावल ही बनना चाहूंगा। मैं किसी की तरह या किसी के जैसा बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। अगर बॉलीवुड को दर्शन रावल चाहिए तो दर्शन रावल है, वरना अरिजीत सिंह तो ऑलरेडी है। उनसे जब पूछा गया किस सिंगर को वो अपना आइडल मानते हैं, सोनू निगम 11, अरिजीत सिंह 11, एश किंग जोड़ी है। अरिजीत ने गाना गाया है, बहुत खूबसूरत गाना गाया है। बहुत दिन बाद मैं और अरिजीत साथ में काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट। आप ही के सामने मैंने एक बार बोला, आपने बोला था हु इज द मोस्ट अंडररेटेड सिंगर ऑफ दिस कंट्री, आई सेड अरिजीत। आपने बोला था क्यों, मैंने बोला वेयर ही इज ही शुड बी 10 टाइम्स मोर देन दैट, ही इज दैट गुड। I'm glad that he's there. अभी है इन्ना सोना अरिजीत सिंह। अरे सारे आपको मेरे बिंज के आते हैं। और क्या? सबके फेवरेट होते हैं अरिजीत सिंह के, सारे सबके फेवरेट होते हैं। You are a great singer, but who's your favorite singer from the current singers? Of course, I think it's a cliched answer. Arijit Singh is the my favorite singer. I think he can do any genre. Like फिर ले आया दिल, he has that गुलाम अली vibe. In Kill Dil song, there's one song in Kill Dil, Sajde. When the song begins, he sounds like Nusrat Fateh Ali Khan sahab. Yeah, that's true. And then there's a song called Ilahi, he sounds like a rock star. Tumhi Ho, he has a lilting voice of Mohit Chauhan. You know, I think he is, jise kehte sarvagun sampann gayak. He's like that. Right. He's such a versatile that's singer. After him and his work, really. And Arijit Singh, you know, you can't say enough for that man. He's just absolutely on another level. What Arijit Singh, of course, he's one of my favorite singers, and his voice took the song to some other level. मैं मुझे लग रहा है अरिजीत सिंह सर ने ना एक एक मुहिम शुरू की है, एक एक उन्होंने सोच के रखा हुआ है कि जो भी हार्ट ब्रेक वार्ट ब्रेक लेके जो घूम रहे होंगे ना, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है वो मूव ओवर नहीं हो पा रहे हैं, वो बोलते कि नहीं आज मैं हो गया हूँ, फिर अरिजीत सिंह कहते तू इधर आ, ऐसे कैसे तू मूव ऑन हो जाएगा बेटा, तू इधर आ, तेरे को तो मैं मूव ऑन नहीं होने दे रहा। तो आई थिंक उनके आवाज में तो ऐसा दर्द है दैट यू नो कि कई बार तो ऐसा लगता है कि आप अच्छे खासे रिलेशनशिप में हो, आप गर्लफ्रेंड को बोलो कि आज ब्रेकअप कर लेते, मेरे को अरिजीत का गाना एंजॉय करने थे, और फिर हम वापस रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो आई थिंक उनकी आवाज इज जस्ट एक एक कुछ है दैट जस्ट पुल्स यू इन, यू नो, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू कोलैबोरेट विद हिम। हमने उनके साथ काम शुरू किया था फ्रॉम आशिकी, एंड आशिकी जो टू थी हमारी, उसमें तुम ही हो गाने काफ़ी, मतलब मोर ऑर लेस पूरी एल्बम उन्होंने गाई थी, और वहाँ से एक उनका एक डिफरेंट जर्नी शुरू हुई थी गानों को लेके। हालांकि उस टाइम उनके जवानी दीवानी के भी गाने आए थे जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे डांस ट्रैक बदतमीज़ दिल वगैरह गाए थे,
और काफ़ी सारे गाने गाए थे जो बलम पिचकारी गाना गाया था जो बहुत बड़ा हिट हुआ था उस दौरान। तो बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर हैं और आज उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि मीन्स जहां हमारे काफ़ी बड़े बड़े जो पुराने हमारे सिंगर्स हैं जो उस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं उस लेवल तक वो पहुंच गए हैं क्योंकि उनकी इतनी फाइन सिंगिंग है। अगर आप उनसे कोई सैड गाना गाने के लिए कहें तो ही विल सिंग सैड, रोमांटिक, डांस, एनीथिंग, एनी रेंज, एनीथिंग। सो आई थिंक वो बहुत वर्सेटाइल हैं और ही इज द बेस्ट सिंगर टुडे वी हैव। ओके, अरिजीत सिंह, लास्ट टाइम का बात हुई थी दोनों की अरिजीत से? आई मेट हिम एट द मिर्ची अवार्ड्स वेयर वी वन अवार्ड फॉर आवर ड्यूएट ऑफ द ईयर सोच ना सके, राइट? सो दैट्स वेयर आई सुपर्ब। सो यार अरिजीत सिंह वैसे वो कहीं मिलते या दिखते नहीं है, बट दैट वाज वन अवार्ड शो वेयर ही वाज देयर एंड वी वन एन अवार्ड टुगेदर द एंटायर टीम ऑफ सोच ना सके। So yeah, I met him there last. चलो इनको भी नहीं दिखते तो I thought it was only us. नहीं नहीं बहुत कम दिखते हैं। Okay. वो सुनाई ज़्यादा देते हैं। Mister India basically. तो यही था वीडियो आज का। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैं जानता नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मोस्टली को मैं जानता ही था और बिल्कुल एग्री करूंगा इनमें से मोस्टली ने यही कहा कि अरिजीत को जिस तरह का गाना दिया जाए वो वैसा गा लेंगे। सो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसी वजह से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इंडिया से अरिजीत सिंह मेरा फेवरेट सिंगर है और उसकी वजह भी यही है। अभी जिक्र किया था कि जैसे बलम पिचकारी, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, इस तरह के सॉन्ग्स भी वो गाते हैं, जरूरी नहीं है कि हाँ, लेकिन जो सैड सॉन्ग्स जो अरिजीत गाता है वो वाकई में दिल हिला के रख देता है। वो विकी कौशल ने बड़ी अच्छी बात की कि सिर्फ अरिजीत के सॉन्ग सुनने के लिए हमारा दिल करता है कि हम एक दिन ब्रेकअप कर लें ताकि वो फीलिंग आए उन सॉन्ग्स की। नो डाउट बेहतरीन वर्सटाइल सिंगर हैं और एक ये भी इन्होंने एक उनका मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा था कि आशिकी 2 से उनको जो है वो आइडेंटिफिकेशन मिली है, हालांकि उनका पहला सॉन्ग दिल संभल जा रहा, तब से ही उनके सॉन्ग्स जो भी उन्होंने दिए वो हिट सॉन्ग थे, लेकिन ये सच है वो पूरी की पूरी एल्बम जो आशिकी 2 की थी वो इतनी फेमस हुई। मैंने तुम ही हो पे रिएक्ट किया था, वो तुम ही हो मैंने बताया था कि जब ये नया नया सॉन्ग आया तब मैं स्कूल में था और मैंने इस सॉन्ग को, हालांकि मैं एक इंट्रोवर्ट बंदा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने इस सॉन्ग को गाया था एक स्कूल के फंक्शन में और बड़ा अप्रिशिएट भी हुआ था। अरिजीत सिंह को बेसिकली आशिकी 2 से ही एक पॉपुलैरिटी मिली अरिजीत का, मतलब सॉन्ग सुने थे नाम नहीं पता था फिर नाम पता चला हमें। मजीद कोई वीडियोज हों तो मुझे बताइएगा, प्लीज बताया करें। कोई एक बंदा भी अगर मुझे इस वक्त देख रहा है तो आप कमेंट करेंगे तो एटलीस्ट मुझे अंदाजा होगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कोई मुझे देख रहा है, तो ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज कुछ भी सजेस्ट करने को हो, मैं ये नाइट टाइम रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत फ्री होता हूँ, लेकिन अब मुझे एक एक्टिविटी मिल गई है करने को तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ। जब आप लोगों की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा और आप लोगों से दोस्ती करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज कुछ भी हो मुझसे बात करने के लिए, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं, बस एक इंटरेक्शन चाहिए मुझे आप लोगों से। सो आई होप सो कि आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे। मिलते हैं किसी अगले रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।